हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फ्रूट बास्केट में कैसे पेंसिल शेडिंग करना है ये बताने जा रही हूँ। ऐसे तो आप लोगों को पहले भी मैं पेंसिल शेडिंग बता चुकी हूँ, लेकिन ये पेज नंबर 27 में आप लोगों को फिर से एक फ्रूट बास्केट का पिक बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, और इसमें किस तरह से शेडिंग करना है वो बताने जा रही हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग इसमें 2B, 4B और 6B किसी भी तरह का पेंसिल का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जहाँ पे डार्क शेड होता है वहाँ पे थोड़ा डार्क कलर के पेंसिल से यानी 6B का यूज कर सकते हैं, 4B का यूज कर सकते हैं, थोड़ा लाइट है तो वहाँ पे 2B का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं अभी पेंसिल शेडिंग बताने जा रही हूँ, तो आप लोग देखें कि मैंने किस तरह से शेडिंग किया है। तो ये मैंगो है, देखिए यहाँ ऊपर से थोड़ा डार्क दिखाया हुआ है, तो मैं पेंसिल को इस तरह से पकड़ी हूँ और फिर इसे डार्क टोन में ले जा रही हूँ। इसे टोन भी बोलते हैं, डार्क टोन, मिडिल टोन एंड लाइट टोन। अब देखिए यहाँ पे मैं लाइट टोन में आ गई, देखिए जिधर से ज्यादा रोशनी आता है उस पे वो लाइट टोन हो जाता है, जहाँ कम रोशनी पड़ता है वो मिडिल टोन हो जाता है, और जहाँ पर एकदम से रोशनी नहीं जाता मतलब एकदम थोड़ा छिपा हुआ पार्ट रहता है वो डार्क टोन में चला जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या कर रही हूँ मैं, डार्क टोन देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा छिपा हुआ पार्ट है, साइड का पार्ट है तो इसमें डार्क टोन ही चलेगा, जैसे आपके बुक में भी बना हुआ है। और देखना है कि पेंसिल को हम किस तरह से पकड़े हुए हैं। अब इसी तरह से एप्पल में भी शेडिंग करना है। बहुत इजी है, सारे बच्चे को इजी तरीके से आता है करने, तो सारे बच्चे कर लेंगे इसे। अब इसी तरह से बारी बारी से सारे फ्रूट्स में हम लोग सारे, देखिए एप्पल में भी मैं की हूँ, यहाँ पे डार्क टोन है तो डार्क टोन में गई, फिर लाइट टोन और मिडिल टोन। तो आप लोग भी सेम पेंसिल का यूज करके कर सकते हैं और अलग अलग पेंसिल का भी यूज करके चेक कर सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा हल्के हाथ से करने से ये अच्छे से बनेगा।
अब ये बास्केट में भी देख रहे हैं, इधर से लगता है कि इधर से थोड़ा सा लाइट कम आ रहा है, इसलिए इधर डार्क टोन दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। नीचे से डार्क करते हुए फिर लाइट, तो ये जैसे हुआ ना, ये मिडिल टोन में आ गए, फिर लाइट, एकदम लाइट। इधर से इधर पेंसिल का शेडिंग करना है, एकदम लाइट करना है, और फिर नीचे से थोड़ा डार्क है तो डार्क कर देना। तो इस तरह से आपका ये जो पेंसिल शेडिंग से फ्रूट बास्केट बना हुआ है, इसे मैं बताई, और आप लोग सारे बच्चे इसे प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ आप लोगों को कलर करना भी सिखलाऊंगी कि कैसे फ्रूट बास्केट में कलर करते हैं, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।